हाँ तो भाई लोग कैसे हो सबके सब तो हाई आप सभी अच्छे होंगे। आज में फिर से आज आपके सामने एक नया वीडियो लिखे तो आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पर जिसका नाम है रेसिंग रफ्तार। तो आज मैं फिर से बात करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के बारे में और माइनक्राफ्ट में आज के वीडियो में हम एक मैप का रिव्यू करने वाले हैं। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो कर दीजिए यार, किसका वेट कर रहे हो यार, जल्दी से लाइक कर दो। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नए आए हो तो कर लीजिए यार, मैं काफ़ी अच्छे वीडियोज़ बनाता हूँ। ओ भाई आज का हम एक मैप का रिव्यू करने वाले, मैप का नाम क्या है यह आप कमेंट में नहीं पढ़ सकते, वीडियो को टाइटल में पढ़ सकते हो और थंबनेल में पढ़ सकते हो, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ जिसको नहीं पता। भाई आज के वीडियो का मतलब मैप का नाम है सॉरी कैक्टस ब्लॉक। कैक्टस ब्लॉक आप सुनिए, स्काई ब्लॉक सुना होगा, वन ब्लॉक सुना होगा और भी कोई तरह तरह के ब्लॉक सुने होंगे, लेकिन आप सुनने कैक्टस ब्लॉक नहीं सुना होगा। भाई काफ़ी मज़ेदार मैप है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो अगर आप इस मैप को ओनली डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप जल्दी से जाइए डाउनलोड कीजिए और यहाँ से निकल जाइए। ऐसा मैं नहीं बोलने वाला क्योंकि भाई अच्छा नहीं होता ऐसे बोलना। मैं देखो ना, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो को मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक आया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो यार। और आप जानना चाहते हो इस मैप को प्ले कैसे करना है तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज की वीडियो के बारे में मतलब मैप के बारे में पूरा बताने वाला हूँ यार, क्या जाता है ना। तो भाई इस मैप का नाम है कैक्टस ब्लॉक। देखो आप समझ गए होंगे नाम से ही क्या होने वाला है। कैक्टस है ये, इसका जो नीचे का प्लेटफॉर्म बना ये सैंड स्टोन से बना है, ऊपर इसमें सैंड लगाई गई है। और देखो इसमें एक बिहेवियर पे करना वो भी अप्लाई किया गया है, इसीलिए कुछ अलग दिख रहा है। देखो कुछ अलग ही तरह के इसमें कैक्टस मिलने वाले आपसे को। ओए मैं इसके टच हो गया भाई, कोई बात नहीं, मेरे को लग गई थोड़ी बहुत, लेकिन इतना सा तो चलते रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे दो इंस्ट्रक्शन बुक रखी है, चलो पढ़ते हैं इस बुक्स को, इसमें है क्या। ये तो जैसे आप बुक निकालते हो तो इसकी जगह और एक और बुक आ जाती है, मज़ेदार है यार। अब देखो रात हो गई क्या, अरे भाई रात हो गई, वैसे दिन हो कर सकता हूँ क्या इसमें, कर सकता हूँ, चलो चीट्स ऑन है अभी इसमें, चलो कर लेते हैं। देखो पढ़ते हैं यहाँ से कस्टम रेसिपी, तो इसमें आप वो कस्टम रेसिपी मिलने वाली है। अब देखो आप सोचोगे भाई यार रेसिपी कैसे बनाएंगे, तो देखो आप ना इनको आप कैक्टस को तोड़ के ना आप रखोगे ना अपने यहाँ पे रेसिपी एरिया में तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा आप। देखो जैसे मैंने इस कैक्टस को तोड़ लेता हूँ, अब देखो इसमें पुट कैप्चर इन ए स्मोकर टू मेक डैट कैक्टस। हाँ भाई देखो स्मोकर में रखने से आपको डैट कैक्टस मिलने वाला है, जैसे शायद ये अलग सा होगा ना कुछ। इसके बाद देखो कैक्टस कैन बी क्राफ्टेड इन टू कैक्टस प्लैंक्स। हाँ भाई सैपलिंग कैन बी क्राफ्टेड एंड स्टोन कैन बी क्राफ्टेड फ्रॉम सैंड स्टोन एंड स्टोनी पेपल्सन। और भाई इसके अलावा सैंड स्टोन कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ कबल स्टोन इन मोस्ट रेसिपीज। हाँ भाई चारकोल कैन बी मेड इन टू कोल ब्लॉक्स। इसके अलावा इसमें और भी है क्या भाई, और भी है यार पूरा इस मतलब रेसिपी ना बताई गई आपसे को। देखो फोर स्टोनी पेपल मेक वन कबल स्टोन। हाँ भाई हो डेड जो वैसे से होते हैं ना कैन बी क्राफ्टेड फ्रॉम स्टिक्स एंड सैंडी पेबल्स एंड कैन बी यूज टू मेक द सैपलिंग्स कैक्टस फूड कैन बी कुक एट। तो भाई ना इससे पुल मिला के सर रेसिपीज इसमें, क्योंकि काफ़ी सारे रेसिपीज है तो आप रेसिपी है ना इसमें मतलब मेरा कस्टम रेसिपीज है क्या आपको बताया गया है। और टिप्स एंड ट्रिक्स ए कंपोस्टर इज योर फ्रेंड, बेकिंग सैर ग्लासेस गिव यू गुड स्टार, बेकिंग फोटाइट डैट गिव यू गुड स्टफ, बेकिंग कैक्टस फाइबर गिव्स यू गुड स्टफ। हाँ भाई कैक्टस फूड इज अ बेटर फूड देन डैट कैक्टस डायमंड्स कैन बी क्राफ्टेड। हाँ क्राफ्टेड वॉच आउट फॉर सैंड स्टोन्स, काफ़ी सारे इसमें भी देखो दिए गए। यूज ए कोल्ड ड्रोन टू गेट रेन वाटर, हमें कोल्ड ड्रोन का आपको वाटर के लिए यूज करना। सैंड स्टोन कैन बी क्राफ्टेड फ्रॉम सैंड, गेट ए फर्नेस अर्ली ऑन ऑटोमेटिक और प्रोडक्शन लेट्स यू फोकस ऑन ऑल द स्टफ, ऐसे कुछ दिया गया है। तो कस्टम रेसिपीज है, आप सभी इनका यूज़ करोगे ना तो आप सभी को कुछ ना कुछ मिलने वाला है। इस तरह से बाजी दी गई आप सभी को तो जरूर जीती इस वाली बाजी को यार, कमाल कर रहे हो आप। देखो जैसे मैं इस कैक्टस को यहाँ से तोड़ लेता हूँ बाई चांस, अब देखो मैं इस कैक्टस को अगर यहाँ पे रखता हूँ तो मेरे को कुछ मिलेगा नहीं, तो देख लेते हैं यहाँ से। अब देखो ना यहाँ, देखो यहाँ से रखने से ये वाले कुछ मिल रहे हैं मुझे, तो ये क्या है देखता हूँ एक बार। ओ भाई कैक्टस प्लैंक्स है, ओ ये तो वुड है यार भाई, वुड है। ऐसे आप सभी को प्ले करना है, यहाँ से आप फिर एक क्राफ्टिंग टेबल बना सकते हो। देखो मैंने बना ली है, इसको मैंने यहाँ पर रखता हूँ, चलो रख ली है। इसके अलावा देखो स्टिक्स बना सकता हूँ मैं, स्टिक्स बन जाएगी। यहाँ से मैं ये बना सकता हूँ, तलवार बना सकता हूँ।
और देखो कितनी सारी चीज़ें मैंने जल्दी बना ली। तो ये मैं कुछ इस तरह से होने वाला है, आपको इस तरह से इसको प्ले करना है। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट, हर 15 मिनट्स में आप एक स्ट्रोम आएगा, वो आएगा भाई सैंड का, और उससे आपको बचना है। अगर आप उससे बच गए ना तो आपका मैप काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। तो कुछ रूफ अगर आप बनाओगे नहीं, जैसे छत नहीं बनाओगे, रूफ अपने कुछ लगाओगे नहीं ना, तो भाई ऐसा एक स्ट्रोम आएगा आपका पूरा मैप ख़त्म हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है यार, आप जहाँ से बनाना किसी भी चीज़ को ना। क्योंकि मैंने पहले बता दिया इस मैप के बारे में, पूरी नॉलेज आपसे भी दे दी है। 15 मिनट में आएगा, हर 15 मिनट में आप प्ले करते हो ना, 15 मिनट्स में एक स्ट्रोम आएगा, बहुत बड़ा तूफान आएगा एक सैंड का। अगर आप अपने ऊपर आपने कुछ नहीं लगाया अपने इसमें प्लेटफॉर्म पे, तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये कुछ इस मैप का तरीका है। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार मैप यार, मेरे को पर्सनली इतना अच्छा लगा यार, मैं सोच रहा हूँ इसको प्ले कर लूँ यार। तो नीचे कमेंट ज़रूर करना, अपना कमेंट्स रख देना, अपने विचार ज़रूर रखना। तो आज के वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आज के वीडियो हम लाइक रख रहे हैं क्या? नहीं रख रहे कर देना लाइक यार, कुछ नहीं ज़्यादा लाइक कर रहे यार ना। तो भाई अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ओ भाई ये देखो, ओ भाई देखो सब कुछ ख़त्म हो गया। ओ भाई देखो सब कुछ टूट गया यार, ऐसे आएगा कुछ आपको स्ट्रॉम्स। देखो भाई ये कोई सब कुछ नीचे चला गया, आपको कुछ नहीं ऊपर लगाना होगा यार, जो सब कुछ टूट जाएगा। ये तो नॉर्मल है, इससे भी खतरनाक आता है इसमें। तो मैंने सब कुछ दिखा दिया आपको इसके बारे में। देखो भाई नीचे टूट गया, सब कुछ नीचे चला गया यार। ओ भाई गलत हुआ बहुत यार, इसके नीचे क्या है? ओ भाई सब कुछ टूटने वाला है, इस तरह से आपको कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आपका मैप तब हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा यार। करना ज़रूर करना कुछ ना कुछ, तो ये तो भाई ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। क्या करोगे फिर, कुछ बचेगा नहीं, तो फिर बचा के क्या करोगे किसी को? हाँ ओ भाई देखो आप, मैंने कुछ लगा नहीं रखा ना, देखो क्या हो रहा है यार, ऐसे कुछ होने वाला है आप सभी के साथ। तो ऊपर कुछ लगा के जरूर रखना। तो भाई आज का वीडियो यही है, आप नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसने करके रखा धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। तो भाई किसी को कोई मैप चाहिए तो मेरे को नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, मैं आपसे लिए वो मैप्स लाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो मैं मिलूंगा आपको ऐसे मज़ेदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।